नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज से बदल जाएंगे आपके जीवन से जुड़े ये नियम। शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए अब करना होगा ये काम। नवादा में इस दिन नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला। बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर अब जिलों को मिलेंगे अंक। आज भारत वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 132 पदों पर भर्ती। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से 132 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए बैंक की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 16 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार IPPB की ऑफिशियल वेबसाइट IPPBonline.com पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, सेल्स ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जून 2023 के अनुसार की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियम अनुसार प्रदान की जाएगी। भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार की जाएगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष होगी। परफॉर्मेंस के अनुसार इस अवधि को 2 वर्ष या 3रे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आज से बदल जाएंगे आपके जीवन से जुड़े ये नियम। आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज आपके जीवन से जुड़े कई नियम बदल गए हैं, जिसका सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ेगा। बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अमृत कलश स्कीम में निवेश करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। ऐसे में अगर आप भी SBI की इस योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो आप भी इसे जितनी जल्दी हो इसे पूरा करें। अगर आप बैंक से जुड़े काम करने वाले हैं, तो जितनी जल्दी हो सके निपटा दें, क्योंकि अगस्त महीने में बैंक 14 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी को शामिल किया गया है। अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगस्त महीने से आपके जेब पर एक्स्ट्रा जोर पड़ने वाला है। एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट से खरीदी करने वाले लोगों को अब 12 अगस्त से क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो कम कैशबैक मिलेगा। 1 अगस्त से ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। बता दें कि 1 अगस्त से ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों को 5,000 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माने के साथ 6 महीने की सजा भी हो सकती है। आज LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही CNG और PNG के दामों में भी बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही आज से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे मनेर शरीफ के बारे में। मनेर शरीफ किसी समय यह सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था। आज का मनेर करीब 2000 घरों का एक कस्बा है और सड़क किनारे कुछ दुकानें हैं, जिसमें दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें मिल जाती हैं। यहाँ का नुकदी का लड्डू बहुत मशहूर है। मनेर किसी समय मुस्लिम संस्कृति का बिहार में सबसे पुराना केंद्र था। 11वीं शताब्दी में और उसके बाद में भी यह सूफी फकीरों का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। यहाँ समूचे हिंदुस्तान से सूफी संत आया करते थे और सूफी मत के प्रसार के लिए उपाय सोचा करते थे। मध्य युग के मुस्लिम इतिहास में मनेर का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया गया है। आज भी मुसलमानों के दिल में इसके प्रति बहुत आदर है। साल में यहां 2 बार 2 फकीरों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उस समय धर्म प्राण मुसलमानों का बड़ा मेला लगता है। मनेर में इस समय 2 दरगाह हैं, बड़ी और छोटी। बड़ी दरगाह बिहार के मुसलमानी धर्म स्थानों में सबसे ज्यादा पवित्र गिनी जाती है। इसमें महान सूफी संत हजरत मखदूम यहिया मनेरी की कब्र है। वह हजरत ताज फकी के पोते थे। बिहार के मुसलमान संतों के वह प्रमुख थे। देश के मुसलमान फकीरों में उनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए अब करना होगा ये काम। जब से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक के हाथों में सौंपी गई है, तब से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए जा रहे, ताकि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इसी कड़ी में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर एक और नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब अगर कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अवकाश लेना चाहते हैं, तो उन्हें अब पहले की तरह आसानी से अवकाश नहीं मिलेगा। बता दें कि अब नए निर्देश के तहत शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए विभाग के सक्षम पदाधिकारी को सूचना देनी होगी। उसके बाद ही उनके अवकाश के आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। मालूम हो कि अवकाश की सूचना CL पंजी में अंकित कराना आवश्यक है। वहीं अगर किसी शिक्षक को विषम या विशेष परिस्थिति में अवकाश लेना है, तो इसकी सूचना सक्षम पदाधिकारी को फोन से देनी होगी। सड़क हादसे में मरने वालों के परिजनों को लाभ मिलना होगा आसान।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे को देखते हुए उसके रोकथाम को लेकर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बनाया जाएगा, जिससे पहले चरण के तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल जुड़ेंगे, तो वहीं दूसरे चरण के तहत सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। मालूम हो कि इसको लेकर एक IRAD पोर्टल भी बनाया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, जिस पर सड़क हादसों से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डेटाबेस की मदद से सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा व अन्य लाभ मिलने में पहले की तुलना में काफी आसानी होगी। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से कार्य योजना तैयार कर ली गई है। कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अधीक्षक और सभी सिविल सर्जन को इस पोर्टल पर निबंधन कराने का निर्देश दे दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति खुद पर हो रहे अत्याचार का यहां करें शिकायत। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति यदि अत्याचार से पीड़ित है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6345 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं, या इसके अलावा घटनास्थल से संबंधित जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना प्रभारी से भी संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार निवारण हेतु अधिनियम 1989 एवं नियमावली 1995 राज्य में लागू किया गया है, जिसके दायरे में गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों पर किए गए अत्याचार आते हैं। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति या उनके आश्रितों को राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है और अत्याचार के प्रकार के अनुसार राहत राशि दिए जाने का भी प्रावधान है। सरपंचों की बनाई गई वंशावली मान्य नहीं होगी। पंचायती राज विभाग के द्वारा पत्र जारी कर यह साफ कर दिया गया है कि अब सरपंच या ग्राम कचहरी के द्वारा बनाई गई वंशावली मान्य नहीं होगी। मालूम हो कि इस संबंध में विभाग की ओर से राज्य के सभी DM को निर्देश दे दिया गया है और कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। बता दें कि जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90-120 तक में ग्राम कचहरी एवं उनके न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियाँ, कर्तव्य व प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है। ग्राम कचहरी का गठन मुख्यतः ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले छोटे मोटे विवादों को निपटाने के लिए किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में फौजदारी एवं दीवानी मामलों को छोड़कर अन्य किसी तरह के कार्य करने की जिम्मेदारी सरपंच को नहीं है, इसलिए सरपंच और ग्राम कचहरी के पास वंशावली बनाने का कोई अधिकार नहीं है। नवादा में इस दिन नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार के नवादा जिले के गुनावा के सरकारी ITI कैंपस में एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस मेले में तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। मालूम हो कि विभाग की ओर से इस मेले का आयोजन 2 अगस्त 2023 को किया जा रहा, जिसका समय सुबह 10:30 पूर्वाह्न से 4:30 अपराह्न तक निर्धारित किया गया है। इस रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी NCS पोर्टल http://ncs.gov.in पर निबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा आयोजन स्थल पर भी निबंधन कराने की व्यवस्था की गई है। इस रोजगार मेले से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला नियोजन कार्यालय या मोबाइल नंबर 7004781982 पर संपर्क कर सकते हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर अब जिलों को मिलेंगे अंक। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस बार बाढ़ से निपटने को लेकर जिलों के द्वारा की गई तैयारियों के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से 7 मानक भी तय किए गए हैं, जिनमें संसाधनों की मैपिंग के अलावा NDRF, SDRF की तैनाती, तटबंधों की सुरक्षा, नोडल अधिकारियों की तैनाती, जिला आपात केंद्रों का संचालन, जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन और आकस्मिक फसल योजना से संबंधित है। इसके आधार पर जिलों के तैयारियों को देखा जाएगा और फिर उन्हें नंबर दिया जाएगा। मालूम हो कि विभाग की ओर से ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि बाढ़ राहत कार्य में तेजी लाई जा सके। इसको लेकर सभी जिलों की बाढ़ तैयारियों के मानक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। मालूम हो कि सभी मानकों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। बच्चों की उपस्थिति 50% से कम तो BEO को मिलेगा दंड।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा प्रत्येक दिन शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अलग अलग निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में के पाठक के द्वारा स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी निर्देश दिया गया था, जिसका असर ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा। इसी को देखते हुए अब माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज या निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त के बाद राज्य के किसी भी प्रखंड के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 50% से कम होती है तो इसका दोषी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को माना जाएगा। ऐसे में तत्काल उनका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही उनके खिलाफ कार्य में घोर लापरवाही, आदेश की अवहेलना करने को लेकर शो कॉज भी जारी किया जाएगा और फिर आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की जाएगी। IRCTC घोटाला मामला में 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बीते दिन IRCTC मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी सुनवाई की गई, जिसमें चार्ज फ्रेम करने पर दलील पूरी हो गई। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 7 अगस्त को की जाएगी। बता दें कि बीते दिन हुए इस सुनवाई में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकील के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि CBI की ओर से ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित किया जा सके कि लालू यादव के द्वारा टेंडर दिलाने के मामले में किसी का पक्ष लिया गया है। उन्होंने कहा कि CBI को हाई प्रोफाइल केस में सबूतों के साथ कोर्ट में आना चाहिए। सिर्फ हवाई बातों पर चार्ज फ्रेम करने की मांग नहीं की जा सकती। वहीं CBI के वकील के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि यह पूरा मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे बोर्ड ने देश के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा IRCTC को सौंप दी थी। इसी दौरान रांची और ओडिशा के होटलों के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। 52 अनुमंडलीय ITI का निर्माण कार्य हुआ पूरा। बिहार में भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे अनुमंडलीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 52 संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि अनुमंडलीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण कुल 77 अनुमंडल में किया जाना है। मालूम हो कि इनके निर्माण होने से स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। विभाग के अनुसार राज्य के 22 अनुमंडलों में ITI भवन का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। सबके अलावा 3 अनुमंडल ऐसे भी हैं जहां अनुमंडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति मिलनी बाकी है, जिनमें सुपौल के वीरपुर, भोजपुर के पीरो और पूर्वी चंपारण का रक्सौल शामिल है। कैमूर, नवादा, रोहतास, किशनगंज, औरंगाबाद और गया में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावना तो जताई है, लेकिन यह कितना सही होगा इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग प्रदेश में बारिश की संभावना जता तो रही है, लेकिन अभी तक उस तरह की बारिश देखने को नहीं मिली। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 1 अगस्त को प्रदेश के उत्तर पूर्व एवं दक्षिणी भागों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, साथ ही वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं कैमूर, नवादा, रोहतास, किशनगंज, औरंगाबाद और गया जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 2 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश होने की संभावना है, साथ ही कैमूर, रोहतास, किशनगंज, औरंगाबाद और गया जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। व्हाट्सएप ठगों और स्पैम से बचाने के लिए कर रहा ये काम। व्हाट्सएप एक नए सेफ्टी टूल्स फीचर पर काम कर रहा है, जो आपको अननोन नंबर से आए मैसेज पर आगे क्या करना है इसकी जानकारी देगा। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर की है। सेफ्टी टूल्स फीचर के तहत व्हाट्सएप आपको एक पॉपअप स्क्रीन दिखाएगा, जिसमें आपको इस बारे में गाइड किया होगा कि आप अननोन नंबर के साथ क्या कर सकते हैं। जैसे ही आप नंबर पर टैप करेंगे तो कंपनी आपको नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट करने का ऑप्शन देगी। इसके अलावा व्हाट्सएप आपको ये भी बताएगा कि किसी भी नंबर पर भरोसा करने से पहले उसकी प्रोफाइल पिक्चर, बायो आदि का जरूर चेक कर ले। सेफ्टी टूल्स फीचर न केवल इस बारे में जानकारी देता है कि आप अननोन नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, बल्कि ये एक नई सुविधा भी पेश करता है, जिसे सेंडर को ये पता नहीं लगता कि आपने मैसेज देखा है या नहीं। ये फीचर खासकर तब काम आएगा जब सेंडर ने रीड रिसिप्ट ऑप्शन ऑन किया हो। फिलहाल ये अपडेट कुछ बीटा टेस्टर्स को मिला है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है। बिहार नीट PG काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BCE CEB के द्वारा नीट PG 2023 मेरिट लिस्ट के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में वे छात्र जो काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट BCECEBOARD.bihar.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है।
वहीं आवेदन फॉर्म में संशोधन करने का समय 6 अगस्त 2023 तक निर्धारित किया गया है और फिर पीजीएमएसी 2023 रैंक कार्ड 9 अगस्त 2023 को जारी किया जाएगा। मालूम हो कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभ्यर्थियों को 2200 रुपए शुल्क के तौर पर देने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। हाथी कानपुरी की तस्वीर को तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर कहा ये बिहार के कई ऐसे व्यंजन है जो न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी काफी प्रसिद्ध है। उन्हीं व्यंजनों में से एक व्यंजन हाथी कान पूरी भी है। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर हाथी कान पूरी की एक तस्वीर शेयर की गई है और इस व्यंजन की काफी तारीफ भी की गई। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि बिहार के किसी क्षेत्र में हाथी कान पूरी आम बोलचाल में हाथी कान पूरी परंपरागत रूप से परोसी जाती है। विशाल हाथी कान पूरी के साथ बूंदिया कोहड़ा घुगनी तथा आलू बैगन की सब्जी मिश्रित चटनी एवं दही का स्वादिष्ट भोजन वर्णन से परे है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे बिहार के संस्कृति और बिहारी व्यंजन को प्रोत्साहित करने के लिए काम करें और साथ आएं। केंद्र सरकार ने बिहार के स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते दिन केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर कहा गया कि बिहार में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना काफी धीमी गति से चल रही है। बता दें कि इस कड़ी में न केवल बिहार बल्कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मेघालय भी शामिल है जहाँ काम धीमी गति से चल रही। ऐसे में सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है और साथ ही यह भी उम्मीद की गई है कि सभी स्मार्ट शहर अपने काम को सही समय पर पूरा कर ले। बता दें कि यह सभी बातें आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर के द्वारा कही गई। मालूम हो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 143 परियोजनाओं में से 2,789.35 करोड़ रुपए की लागत से केवल 92 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। वहीं बिहार में शहरी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि 5,818.29 करोड़ रुपए है। लालू परिवार के 6 करोड़ 2 लाख के प्रॉपर्टी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। बीते दिन लालू परिवार पर ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके और उनके परिवार के नाम से 6 करोड़ 2 लाख की प्रॉपर्टी को आईआरसीटीसी घोटाला मामला के तहत अटैच कर लिया गया है। बता दें कि तीसरी बार है जब लालू यादव और लालू यादव के परिवार के प्रॉपर्टी को ईडी के द्वारा अटैच किया गया हो। मालूम हो कि ईडी के द्वारा लालू यादव के जिन प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उनमें बिहार की राजधानी पटना स्थित बीटा महुआ बाग और दानापुर के प्रॉपर्टी, दिल्ली के डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी और यूपी के गाजियाबाद की प्रॉपर्टी शामिल है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू 6 करोड़ 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ईडी के द्वारा जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश पर बोला जोरदार हमला। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे नीतीश कुमार, लालू यादव और भाजपा के लोग थकिया नहीं सकते हैं। मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूं तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। बंगाल में आपने मेरा काम देखा होगा, मैंने ही उनका नस ढीला किया था। भाजपा ने पूरी भारत की ताकत लगा दी और मैंने कहा था कि 100 पार भी नहीं होगा। भाजपा वाले हुए 100 पार, जितना पैसा लगाना था उन्होंने लगा दिया पर कुछ नहीं हुआ। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं है। अगर लड़ने आए हैं तो इस बात को मानकर चलिए कि जीतने का खाका भी दिमाग में लेकर आए हैं, सब कुछ सोच समझ कर व्यवस्था बनाने आए हैं। एक बार समाज खड़ी हो गई तो जन बल के आगे कोई बल खड़ी होने वाली नहीं है। इसलिए बिहार के भविष्य के लिए सोचिए और किसी को बंधुआ मजदूर मत बनिए। आज भारत वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला। आज यानी कि 1 अगस्त को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं टॉस शाम 6:30 बजे होगा। बता दें कि वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया के द्वारा 5 विकेट से जीता गया था तो वहीं दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज के द्वारा 6 विकेट से जीता गया था। ऐसे में आज का यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए निर्णायक मुकाबला होने वाला है। आज के इस मुकाबले में जिस टीम को जीत मिलती है उसके नाम सीरीज हो जाएगी। आपको बता दें कि 3 वनडे मैचों की सीरीज के बाद भारत 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। मालूम हो कि विश्व कप 2023 के लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज बेहद अहम है। तीसरे वनडे मैच के बाद भारत अब एशिया कप में ही वनडे मुकाबले खेलेगा। ऐसे में टीम इंडिया सही कॉम्बिनेशन खोजना चाहेगी। आज का यह मैच दोनों ही टीमों के बीच काफी रोमांचक होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज।
स्वतंत्रता सेनानी तथा आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल लीग के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त केसरे हिंद पुरस्कार को लौटाया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में शक्तियों का बंटवारा हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सफदर जंग में राष्ट्रीयकृत एयरवेज का उद्घाटन किया। देश में सभी एयरलाइंसों का राष्ट्रीयकरण 1953 को किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई। आचार्य विनोबा भावे का 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने 1992 में विजाग स्टील प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ने 2008 में भारत के विशेष निगरानी समझौते को हरी झंडी दी। अनुषा डिजवी द्वारा निर्देशित किसानों की आत्महत्या और मीडिया तथा राजनीतिक ड्रामे पर आधारित पिपली लाइव को 2010 में 31वें डर्बन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद निशार का जन्म 1910 को हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल का जन्म 1955 को हुआ था। विद्वान गणितज्ञ दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन 1920 को हुआ था। इस महीने रिलीज होगी ये फिल्में और वेब सीरीज। आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस महीने कई फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से आप सभी को काफी पसंद आएगी। बता दें कि इस महीने दो सबसे बड़ी फिल्म गदर 2 और ओह माय गॉड 2 भी रिलीज होने वाली है। मालूम हो कि अक्षय कुमार की फिल्म ओह माय गॉड 2 फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है जो अमित रॉय के निर्देशन में बनी है। वहीं दूसरी फिल्म सनी देओल की गदर 2 है जो कि 11 अगस्त को ही रिलीज होगी। ऐसे में अब आपको निर्णय लेना है कि आप कौन सी फिल्म पहले देखना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरी फिल्म सुष्मिता सेन की है जिसका नाम ताली है जो कि 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में सुष्मिता सेन एक किन्नर के किरदार में नजर आने वाली है। इसके साथ ही आयुष्मान खुराना और रण्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 भी 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वहीं अब अगर हम बात करें वेब सीरीज की तो सबसे पहले 3 अगस्त को चूना नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है और फिर दूसरी वेब सीरीज मेड इन हेवन 10 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है और फिर तीसरी वेब सीरीज 11 अगस्त को द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड रिलीज होने वाली है। वायरल को आज हम बात करेंगे चैट पर नजर रखने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चैट पर नजर रखने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने चैट पर नजर रखने और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नई व्हाट्सएप गाइडलाइन जारी की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह संदेश नकली है। सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। जियो ने लॉन्च किया 20,000 से कम कीमत की तगड़ी बैटरी लाइफ वाली लैपटॉप। अगर आप भी कम कीमत के लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि रिलायंस जियो के द्वारा भारत में अपना सेकंड जनरेशन जियो बुक लॉन्च किया गया है जिसमें कई अपडेट किए गए हैं। बता दें कि सेकंड जनरेशन जियो बुक पिछले वर्जन से काफ़ी हल्का है और उसके साथ ही यह लैपटॉप 11.6 इंच HD एंटी ग्लेयर TN डिस्प्ले के साथ आता है और साथ ही क्वालकॉम ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी को सपोर्ट मिलेगी। हुड के तहत इसमें 4GB रैम 64GB फ्लैश मेमोरी 256GB तक विस्तार योग्य और एक प्रभावशाली 11.6 इंच HD डिस्प्ले है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जियो बुक की कीमत 16,499 रुपये है। जियो का दावा है कि इस जियो बुक में लगभग 8 घंटे का बैकअप मिलेगा। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे जियो स्टोर या अमेजन की वेबसाइट पर खरीद सकते हैं। 1,00,000 का इनामी अभियुक्त असलम अंसारी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी के ASP के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के द्वारा NIA के वांटेड और फरार 1,00,000 रुपए के इनामी अभियुक्त असलम अंसारी उर्फ गुलटेन को नेपाल के वीरगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असलम अंसारी को एक बार और वर्ष 2019 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन वह जमानत के मिलने के बाद फरार हो गया था, जिसके बाद NIA के द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए उसके ऊपर 1,00,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया गया था। बता दें कि फिलहाल अभियुक्त असलम अंसारी से मोतिहारी पुलिस और NIA द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके ये हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, 6 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का उद्घाटन हाल में ही PM मोदी ने कहां किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान।
अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए रुचिरा कम्बोज, ऑप्शन बी लेस्ली मुनरो, ऑप्शन सी जोस आरसे, ऑप्शन डी एंटोनिया गुटेरेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुचिरा कम्बोज। अगला सवाल, सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां किया है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अगला सवाल, बिहार के निवासियों को किस वेद में कीकट कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला सवाल, किसके काल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, सरदानंद झा, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, कपिल देव शाह, राजकिशोर महतो, विकी कुमार, सदुल्लाह पलवी, रानी कुमारी, हिलेश्वर कुमार, बाबूलाल मरांडी, राबिया बासरी, निभु कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अहमद अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।